चलो चलो तो मैं गया भाई और बाजार देखा तो मैंने कहा बड़ी तो अमीर उमीर लोग कितना सब सामान वामान है, तो ये सीनियर ने मारा पीछे से लड़की देखना लड़की देखते थे ठीक है, लेकिन लड़की देखना है ना कहाँ देखना ये तक भी बताने लगे और बात करने लगे, तो मुझे लगा कि एक प्रोसेस है, उस वक्त नहीं लगा लेकिन वो बात जहन में रह गई क्योंकि वो घटना पहली बार मेरे साथ जिंदगी में एक प्रोसेस और ये समस्या उस प्रोसेस का है। हम जब तक अपने देखने के नजरिए को उसके बनने का जो हमें मिला है वो जो गिफ्ट में मिला है उसको हम समझते हमारा एकाधिकार है, उसको घर से क्वेश्चन नहीं कर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत हो जाती है उसको एक्सेप्ट करने में या उस पर बात करने में, टफ चीज करके देखिए। नहीं जब तक नहीं करेंगे इसको जेंडर के हिसाब से जस्ट बनाने में तब तक मेल की कोई भूमिका नहीं है, वो ही नहीं सकती, वो आप बैनर पोस्टर लेके घूमते रहिए ठीक है। एक और थीम जो आपके आपकी रिपोर्टिंग में बहुत खुल के सामने आती है क्योंकि आप खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं और हमारा इतिहास एक माइग्रेशन का इतिहास रहा है और आज भी अगर देखें तो देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग एक एक मोबाइल गतिमान सपने की तरह घूम रहे हैं, दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से त्रिवेंद्रम से गुवाहाटी, जहां काम मिल रहा है वहां घूम रहे हैं, तो लेकिन आपके काम में क्या आपका खुद का अनुभव और आपकी रिपोर्टिंग के आधार पे क्या प्रवास और पलायन क्या एक नॉस्टैल्जिया का शोक है या एक संभावना की तलाश है? देखिए संभावना की तलाश है, एक पलायन होता है जब आप कहीं अकाल ग्रस्त हो गए या आपको किसी अन्य राजनीतिक आर्थिक कारणों से बहुत मजबूर किया गया और आप गए, लेकिन धीरे धीरे आप उन पलायन को आप देखेंगे तो वो संभावनाओं में बदलती है सारे पलायन। ठीक है कि हम बिहार से आए तो अपनी जड़ों से उजड़ गए, लेकिन अगर नहीं आए होते तो क्या हम दुनिया को इस तरह से समझ पाते? और जो भी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम आके यहाँ माइग्रेशन रोक देंगे, एक तो मैं अपनी स्मृति से जानता नहीं हूँ, आप लोग जानते हो कोई ऐसा नेता पढ़े होंगे कहीं गूगल में जिसने आके माइग्रेशन रोक दिया तो प्लीज बताइए, ऐसा तो होता नहीं, तो हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते। नरेगा का एक उद्देश्य है माइग्रेशन कम करना, नरेगा का उद्देश्य है, लेकिन वो नरेगा वहां पर काम दे रहा है ना, 100 दिन के लिए काम दे रहा है, वही 100% वाला तो नहीं है ना, आपने कुछ प्रतिशत का काम दिया, 100 दिन का काम दिया है तो ठीक है आपने, लेकिन अगर आप उसको देखिएगा कि उस नरेगा से जितना फायदा मजदूरों को नहीं हुआ उससे ज्यादा उस लैंडेड कम्युनिटी को हुआ है मनरेगा से। दिक्कत तब हो गई कि जब मजदूरों ने यह कहा कि भाई यहां जब 100 रुपया मिल रहा है तो आप उनको 110 रुपये दे दीजिए, ये बात साहबों को चुभ गई कष्ट, और ये जो कम्युनिटी है इसका एक आर्ट लेकिन बेमिसाल, और उसकी तारीफ में लिखना चाहिए, हम आलोचना में लिखते हैं, इनको मालूम है कि किस स्कीम को कैसे फेल कराया, अच्छा करा था, कभी क्रेडिट देना चाहिए मतलब इस लैंडेड कम्युनिटी ने, और वो सारे जिसमें कंट्रोल था उनका उस फंड से तालाब बनने थे और ये सब बनने थे, उसको कौन मिसअप्रोप्रिएट किया? मजदूर जो तालाब बनाने के नाम पे जो पैसा लिया गया मजदूर ने किया, मजदूर ने तो नहीं किया ना, उस पैसे से बाबू साहब लोगों का घर बनाया हर जगह, तो उन्होंने उस खुंदक में, ये खुंदक में भी करता है ये करप्शन, जो सोशल करप्शन होता है हिंदुस्तान में कि इसका फायदा उसको ना मिले उस मजदूर को, इसलिए उसने मनरेगा को हर जगह करप्शन का सिंबल बना दिया, उसका कुछ नहीं हुआ, बिगड़ गया मजदूर का, तो ज्यादा फायदा मनरेगा की स्कीम से लैंडेड कम्युनिटी को हुआ, जो गांव में थे उनको एक तरह से लेबर मिला है, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से इस डिस्कोर्स को बदल दिया कि हमसे ये ज्यादा मजदूरी मांग रहे हैं, आजकल मजदूरी बहुत महंगी हो गई है, खेती में लागत की वजह से बढ़ गई, हम जानते हैं हमेशा सोचते हैं कि हाँ मनरेगा में करप्शन हुआ है, कौन कर रहा है ये तो उनको पता नहीं चलता है ना, ये तो बात ही नहीं आती कि कौन कर रहा है, या कोई पार्टी है, आप जो गांव का जो मुखिया है आप उसका कैरेक्टर देखिए, वो हो सकता है करप्शन करने वाला भी, वो दलित हो सकता है या पिछड़ा हो सकता है, लेकिन जो उसके मुखिया होने की जो साइकी है वो सेम है सबकी साइकी, उस पोस्ट में बैठते वो हाँकने के अंदाज में आ जाता है, और सबके घर बने, सबकी खेती सुधर गई मनरेगा से, और मनरेगा की कहानी की दास्तां में ये सब जो बदलाव आए, जो रूरल कंजम्पशन बढ़ा था, मजदूर से ज्यादा और कौन खरीद रहा था? ट्रैक्टर मजदूर थोड़ी खरीद रहा था,
ईवी मजदूर थोड़ी खरीद रहा, वो तो दिल्ली से लाद के लद्दाख फदा के साइकिल बच्चों को लेकर वहां पहुंच रहा। लेकिन गांव में जो वॉशिंग मशीन खरीदा गया उसमें मनरेगा का रोल था, जो पंचायती राज का जो पैसा है जिसको लूटा, जिसका उस लैंडेड उस पंचायती सिस्टम पे जिनका कंट्रोल है किसी भी तरीके से, उन लोगों को फायदा होता। तो वो लैंडेड कम्युनिटी को इन सब स्कीम से डिप्रेस या डिस्प्लेस कम्युनिटी से ज्यादा फायदा होता। अच्छा, आप मीडिया की तरफ पढ़ते हैं क्योंकि आप